Let's do question number 4th of exercise 1F, that is number system. Question number 4th is find rational number A and B such that. First part. Friends, हमारा question है, हमें A और B की value निकालनी है. First part है root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 equals to A plus B root 2. फ्रेंड्स, हमें इस वैल्यू को इस फॉर्म में निकालना है जिससे कि हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकें. कैसे करेंगे, लेट्स सी. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, राइट. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट के चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको हम ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे, तो रूट टू प्लस वन था तो ये माइनस वन हो गया और रूट टू माइनस वन, राइट फ्रेंड्स. आप देखिए, अब रूट टू माइनस वन, यहाँ पे भी रूट टू माइनस वन है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी. अगर हम रूट टू को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो दैट मीन्स रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर. जब ए माइनस बी और a माइनस बी होता है तो हमारा फॉर्मूला लगता है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला. ये मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, प्लीज आप वहां से देख सकते हैं. a प्लस बी, a माइनस बी. अब यहाँ पे दोनों माइनस के थे, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी. इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर. तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट फ्रेंड्स. अब टू रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, तो ये कितना आ गया, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन माइनस टू रूट टू अपॉन वन, तो ये कितना आ गया, ये आ गया टू प्लस वन इज थ्री माइनस टू रूट टू. नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख रही हूं ए प्लस बी रूट टू. अब देखिए यहां पे यही सेम वैल्यू आ गई, यहां पे रूट टू है, यहां पे भी रूट टू है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू थ्री हो गया. और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू है, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया बी की वैल्यू, माइनस टू. ये देखिए फिर से बताती हूँ, बी रूट टू की वैल्यू आई माइनस टू रूट टू, राइट. तो बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस टू रूट टू अपॉन रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी बची, माइनस टू. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज टू माइनस रूट फाइव अपॉन 2 प्लस रूट फाइव इक्वल्स टू ए रूट फाइव प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, राइट फ्रेंड्स. अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंगे वैल्यूज, राइट फ्रेंड्स. तो 2 माइनस रूट फाइव अपॉन 2 प्लस रूट फाइव, इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस रूट फाइव अपॉन 2 माइनस, ऑपोजिट साइन से करेंगे. अब देखिए ये a है माना, ये b माना, तो a माइनस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला. इस a b की बात नहीं कर रही हूं, फॉर्मूले वाले a b की बात कर रही हूं. तो ये आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट फ्रेंड्स. अब ये क्या आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ए है टू और बी है रूट फाइव, राइट फ्रेंड्स, अपॉन टू का स्क्वायर इज फोर, रूट फाइव का स्क्वायर इज फाइव, राइट फ्रेंड्स. नाउ ये कितना आ गया, टू टू जा फोर प्लस रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज फाइव माइनस टू टू जा फोर रूट फाइव अपॉन माइनस वन. अब ये कितना आ गया, नाइन माइनस फोर रूट फाइव, लेकिन जो नीचे माइनस वन है उसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो ये कितना आ गया, ये आया फोर रूट फाइव,
प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस का, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस नाइन प्लस फोर रूट फाइव, राइट फ्रेंड्स, या इसको मैं ये लिख सकती हूँ फोर रूट फाइव माइनस नाइन, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब ऐसे क्यों लिखा है और ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले रूट फाइव की वैल्यू आ रही है तो मैंने रूट फाइव की वैल्यू पहले ले आई, राइट फ्रेंड्स, इसको इधर शिफ्ट कर लिया। अब राइट हैंड साइड लिख रही हूं इसकी ए रूट फाइव प्लस बी, राइट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसे सॉल्व करके और ये राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए अब ए की वैल्यू कितनी होगी, देखिए फोर होगी, कैसे होगी, फोर रूट फाइव इक्वल्स टू ए रूट फाइव। अब ए की वैल्यू कितनी आई, फोर रूट फाइव अपनी जगह, रूट फाइव नीचे आ गया, रूट फाइव से रूट फाइव कट गया तो कितना बच गया फोर, तो ए की वैल्यू फोर। अब बी की वैल्यू कितनी बची, माइनस नाइन इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट सिक्स, इसकी वैल्यू निकाले। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें पता है लास्ट पार्ट से कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू, राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू। अब देखिए दोनों प्लस के हो गए तो किसका फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी एज इट इज लिखा और उसका स्क्वायर हो गया, राइट फ्रेंड्स। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या बना हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सिर्फ माइनस के यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट फ्रेंड्स, अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हमें पता है थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, राइट फ्रेंड्स। नाउ रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री प्लस टू प्लस टू, थ्री टू सिक्स अपॉन वन, राइट फ्रेंड्स। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव, थ्री प्लस टू इज फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए प्लस बी रूट सिक्स की। अब देखिए ए की वैल्यू यहां आ गई तो ए की वैल्यू हो गई हमारी फाइव, बी की वैल्यू कितनी हो गई, रूट सिक्स कट गया तो बी की वैल्यू क्या बची, टू इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज फाइव प्लस टू रूट थ्री अपॉन सेवन प्लस फोर रूट थ्री इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री की वैल्यू निकालनी है, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में था फाइव प्लस टू रूट थ्री अपॉन सेवन प्लस फोर रूट थ्री, नीचे वाली वैल्यू रैशनलाइज होती है हमेशा, तो सेवन माइनस फोर रूट थ्री अपॉन सेवन माइनस फोर रूट थ्री। अब ये देखिए ये दोनों ऊपर वाले अलग हैं, तो इसका मतलब फाइव प्लस टू रूट थ्री इंटू सेवन माइनस फोर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। अब ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम ए का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, राइट फ्रेंड्स। अब इस केस में फाइव की, इस फाइव की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में सेवन माइनस फोर रूट थ्री में, और प्लस टू रूट थ्री की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में सेवन माइनस फोर रूट थ्री अपॉन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर, का मतलब है फोर की दो बार मल्टीप्लाई और रूट थ्री की दो बार मल्टीप्लाई, तो क्या आया, फोर फोर जा सिक्सटीन इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, दैट मीन्स फोर्टी एट, राइट फ्रेंड्स। नाउ ये कितना आ गया, सेवन फाइव इज थर्टी फाइव
माइनस 20 रूट 3, बाहर की बाहर से मल्टीप्लीकेशन होती है रूट की रूट में, प्लस 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 7 टू जो 14 रूट 3, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, अब ये देखिए 35 माइनस 24, राइट, अब ये देखिए ये माइनस का 20 रूट 3 है, ये प्लस का 20 प्लस का 14 है, ऑपोजिट साइन है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन साइन बड़े वाले का, 20 बड़ा है तो माइनस का लग गया 6 रूट 3, राइट फ्रेंड्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 35 में से 24 गया तो कितना बचा, 35 में से 24 गया, 11 बचा, 11 माइनस 6 रूट 3, अब इसके इक्वलेंट हमारा लग जाएगा 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 3, राइट फ्रेंड्स, अब तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 11, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये प्लस का है लेकिन यहां माइनस लगा है, तो माइनस का बी की जगह क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.